शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जिला सेवा योजन कार्यालय पर बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 100 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया गया। 5 कंपनियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जिला सेवा योजन कार्यालय की तस्वीरें हैं। बता दें कि 17 जून के दिन शनिवार को यहाँ बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार यहां रोजगार पाने के लिए पहुंचे हैं। जिला सेवा योजन कार्यालय पर 100 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 5 कंपनियों ने प्रतिभाग किया था। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, 5 कंपनियों के पदाधिकारी और कर्मचारी यहां रोजगार देने की प्रथम प्रक्रिया में साक्षात्कार की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, जिसको पूरा कर रहे हैं। यहां रोजगार पाने के लिए आए शिक्षित बेरोजगार कंपनियों के कर्मचारियों के समक्ष मौजूद रहकर साक्षात प्रक्रिया का हिस्सा भी बन रहे हैं। सुबह से शुरू हुआ रोजगार मेला अपने निर्धारित समय पर लगातार जारी रहा। रोजगार मेले में अधिकारियों ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और किस तरीके की कंपनियां आई हैं और कितने लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है? सर, आज जिला सेवा कार्यालय मैनपुरी द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज 5 कंपनियां हैं, 4 कंपनियां अभी आ चुकी हैं और 1 कंपनी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी आ रही है। रास्ते में अभी फोन आया था उनका, आधे घंटे में वो पहुंच जाएंगे। कितने बच्चों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है? आज हम लोग 100 बच्चों को रोजगार देने का टारगेट लेकर चल रहे हैं और कितना कहाँ तक पहुँचते हैं